मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, बताइए हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? लाखों रुपए खराब कर देते हैं कि नहीं कर देते हैं? एक विदेश जाने की चाहत होती है, उस चक्कर में हम पैसे खराब कर देते हैं, क्योंकि हमें जो एजेंट है वो ठग मिलते हैं, एजेंट जो हैं वो कबूतरबाज मिलते हैं, एजेंट जो हैं वो धोखेबाज मिलते हैं। उन्हीं से बचाने का यदि काम कर रहे हैं तो गोल्डी पाजी है, सुखजिंदर पाजी है, तो इनके लड़के की ना जशनदीप बरनीत जी है, तो इनकी जो टीम है सबसे बढ़िया ये काम कर रही है कि आपको कबूतरबाजों से बचा रही है। सबसे बड़ी बात है कबूतरबाजों से बचाने का जो काम अगर कोई आज की डेट में कर रहा है तो वो कर रहा है मैपल इमिग्रेशन। तो सारे एक बार जोरदार ताड़ी आने दो इस बात के ऊपर, जोश चेक कर लें, तुम्हारा जोश बोले सो निहाल, बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, थोड़ा जोश में आने दो। एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम। तो ये वाक्य में बहुत अनूठे पल हैं, और फिलहाल जो है देखो इस होटल में हम पहुंचे थे, इस कार्यक्रम में हमने जानकारी मिली थी कि काफ़ी सारे लड़के और लड़कियां इकट्ठे हो रहे हैं और विदेश जाने से ठीक पहले हमारी रडार पे आ गए हैं। क्यों जी सिंह साहब, सत श्री अकाल जी, राम राम, सत श्री अकाल जी, राम राम जी। तो एक बात है, मतलब देश की जनसंख्या कम करने का जो काम है कुल मिला के आप कर रहे हो, उसमें सेंध मारी करती है। जनसंख्या कम करने का नहीं जी, बेरोजगारी कम करने, बेरोजगारी कम करने का, मतलब बेरोजगारी मैं अब उधर तो नहीं जाना चाहता क्यों है क्या है मुझे बाकी ठीक है, करना तो आइए कुछ, क्या करेंगे बच्चे, या नौकरियां कम है तो क्या करेंगे। तो सुखजिंदर पाजी, जो हमारे पास जो जानकारी है भाई, मैपल इमिग्रेशन जो है वो स्पाउस वीजा है, स्टडी वीजा है, और क्या नाम है वो घूमने फिरने वाला, क्या बोलते हैं उसको, विजिटर वीजा है, टूरिस्ट वीजा है, वर्क वीजा, मतलब काफी धमाल मचा रखा है। बस कृपा है प्रभु की जी। अच्छा जी, हाँ, तो ये उसी कड़ी में यहाँ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रखा है। आज जो ये बच्चे इनकी फ्लाइटें हैं जी, आज लगातार, आज कल परसों लगातार इन 50 बच्चों की पूरा फ्लाइट बुक कर दिया मैपल इमिग्रेशन ने, मैपल इमिग्रेशन ने पूरी की पूरी फ्लाइट ही बुक कर दी भाई। और ये देखो ऑलरेडी इनकी टिकट बुक हो चुकी है। कहाँ जाओगे जी? कनाडा। कनाडा जाओगे, क्या करोगे कनाडा? स्टडी करेंगे, काम करेंगे। कितने दिन पहले सपना लिया था आपने कनाडा जाने का? स्टार्टिंग से हाँ जी। तो मैपल इमिग्रेशन से जैसे संपर्क किया तो कितने दिन में आपका जो वीजा है वो लग गया? मेरा वीजा एक मंथ में आ गया था। एक मंथ में, बहुत बड़ी बात है, इसी बात पे ताली आने दो जी, क्योंकि हरियाणा में कई सारे ऐसे एजेंट है भाई जो ये करते रहते तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और वो तारीखें चलती रहती हैं। कई बार तो इतनी नौबत आ जाती है कि माँ बाप तो अप्लाई करते हैं और बेटे का वीजा आता है फिर। हाँ जी, तो और सीट पाओ जी, क्या नाम है जी? ममता जी। ममता, आपका वीजा लगा क्या, आपके बच्चों का लगा? मेरी लड़की है जी। अच्छा, आपके लड़के है। हाँ जी, आपने मतलब इसी ने अप्लाई किया था? हाँ जी। तो अक्सर ऐसा होता है माँ बाप अप्लाई करते हैं बच्चों का वीजा लगता है फिर बाद में जाके। नहीं जी, इसी ने अप्लाई किया था। अच्छा, इसके तो लिए एक बार। मतलब और भी कई जगह धक्के खाए होंगे, कई जगह जी, प्लस टू के बाद पहले गोल्डी बार। अच्छा गोल्डी भाई, मतलब न्यू सुनिए भाई, वो क्या बोल रहे वो इंग्लिश भी सिखाओ आप लोग। वंश देर वाज लोमड़ी सी वाज मारा खेत में जा बड़ी मारा डड़ा दाड़ पड़ी, इसी से सिखाओ, कौन से सिखाओ? ऐसे ही सिखाते हैं जी, क्योंकि यही कामयाब होगी आजकल, इसी का ही ट्रेंड है जी। इंग्लिश बोलते हैं इसको? हाँ जी, इसको इंग्लिश बोलते हैं, और ये इंग्लिश ही बच्चों को अब विदेश लेके जा रही है जी, जी। उनको बहुत इंटेलिजेंट करने के लिए, उनको अपने परिवार की जिम्मेवारी उठाने के लिए, और वो बच्चे जाके वहाँ पे जब कामयाब होते हैं, सक्सेस होते हैं, तो उनके माँ बाप भी अपने प्राउड फील करते हैं। वो चलते हैं जब गाँव में तो लोग कहते हैं कि इनके बच्चों ने अपने माँ बाप का नाम रोशन कर दिया। तो गोल्डी पाजी, अगर मैं बात करूँ मैपल इमिग्रेशन की, इस साल का क्या अचीवमेंट है आपकी, क्योंकि बच्चों के चेहरे के ऊपर स्माइल है, चमक है, चमक रहे हैं पांडे जी सारे। देखो हमारी इस साल की जो अचीवमेंट है वो ये है कि हमारे पास जो भी आता है वो खुश जाता है, चाहे हमारा स्टाफ है, चाहे हमारे स्टूडेंट हैं, चाहे हमारे पास कोई वीजा के लिए आता है, चाहे हमारे पास कोई स्टूडेंट वीजा के लिए आता है। हमारा एक ही मकसद है कि कोई आए, हमारे बड़े भाई साहब सुखजिंदर सर कहते हैं कि किसी का भी पासपोर्ट हमारे पास आएगा उसको हमें खाली नहीं भेजना, उसको जिस कंट्री में वो जाना चाहता हो पहले उसमें ट्राई करेंगे, अगर उसके लिए वो एलिजिबल नहीं है तो जो कंट्री और अच्छी होगी उसके लिए उसको गाइड करेंगे। यानी कि आए और मुस्कुराता हुआ जाए। और ये देखो भाई बरनीत एथियो भाई, ये कनाडा रहते सी है? नहीं नहीं, जशनदीप। अच्छा, क्या नाम है जी? मेरा जशनदीप सिंह। जशनदीप, आप कनाडा रहते हो?
हाँ जी मैं कनाडा रहना। तो गुप्त सूत्र दौड़ा मारती नहीं, बताओ था भाई यहाँ से कनाडा जो बच्चे जाते हैं उनके लिए पूरी अकोमोडेशन की और किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने देते आप? हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, जो भी बच्चे हमारे थ्रू जा रहे हैं जिनके पास वहाँ पे कोई भी उनका रिश्तेदार नहीं है, कोई दोस्त नहीं है और अकोमोडेशन का कोई भी उनसे प्रबंध नहीं हो पा रहा है, उनको मैं पर्सनली जाके एयरपोर्ट से रिसीव करता हूँ, उन्हें अपने घर पर रखता हूँ। चाहे वो एक महीना रहना, चाहे दो महीना, तीन महीने, उसकी मर्जी है। आगे जाना चाहता है वो भी उसकी मर्जी है। विदेश में जाके घर जैसी फील आएगी, ऐसा मतलब उसको ये नहीं लगेगा कि भाई वो विदेश में आ गया। कई बार नया नया बच्चा जाता है, हाथ पांव फूल जाते हैं, उसको पता ही नहीं होता क्या करना क्या नहीं। देखिए बिल्कुल जी, अगर आप दूसरे शहर में जाओ तो आपको अजीब सा फील होता है, अगर आपको अपने लोग ना दिखे तो। ये तो फिर भी दूसरे देश में जा रहे हो, अगर वहाँ पर जाकर कोई आपको अपना मिल जाए जो आपका हाथ पकड़ ले और आपको बता दे भी कैसे कैसे क्या क्या करना, उससे बड़ी कोई और चीज़ नहीं हो सकती है। बाकी हमारा जो स्टाफ है, हमारे सर हैं, बरनीत है मेरा भाई, ये यहाँ से फाइलिंग प्रोसेस करता है, मैं वहाँ से करता हूँ। बच्चे को जो भी कॉलेज चाहिए, जो भी प्रोग्राम चाहिए, कैसा भी कोई इंटेक चाहिए, वो हम उसे प्रोवाइड करते हैं। यानी कि फुल नॉलेज के साथ, पूरी नॉलेज के साथ, चाहे बरनीत की बात करा, चाहे सुखजिंदर जी की बात करा, यानी कि इनकी जो पूरी की पूरी टीम है, पूरी जो प्रोसेस है उसको सिरे तक चढ़ा कर जीभ सांस तारे हैं। हाँ जी, आपका वीजा लगा है? हाँ जी। केड़े पिंड का? कनाडा। अच्छा, वो दिन दूर नहीं भाई, वो दिन दूर नहीं जब एक गाँव से दूसरे गाँव का भी वीजा लगना शुरू हो सकता है। एवरी थिंग इज पॉसिबल। कहाँ का लगे आपका? कनाडा। कनाडा का? हाँ। कब जा रहे हो फिर? 15। अच्छा, बुक होगी टिकट, बुक होगी फ्लाइट, बुक होगी? हाँ जी। चलो, बड़ा बड़ी खुशी महसूस कर रहे होगे? हाँ जी। हस्बैंड वाइफ का लगा जी दोनों का? अच्छा, दोनों का। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। तो दोनों इकट्ठे जा रहे हो? हाँ जी हाँ। तो ये स्पाउस वीजा लगा इनका? चलो बहुत बढ़िया। कितने दिन की प्रोसेस थी? 20 डेज जे छुट्टियां नाल ही फिर 12 दिन। अच्छा हाँ जी। छुट्टियों में काम हो रहा है तो। अच्छा, ये भी स्पाउस वीजा, ये देखो गौर से देखिए इन शख्स को, ध्यान से देखो भाई इस जोड़ी को। अब क्या नाम है? विजय कुमार। विजय कुमार। विजय कुमार। विजय कुमार का वीजा लग गया है? विजय कुमार का वीजा कितने दिन में लगा? लग गया 20-22 दिन में लग गया। 20-22 दिन में? हाँ जी। लंबा इंतजार नहीं करना पड़ा? नहीं, लंबा इंतजार पहले 7 सालों से कर रहे हैं। अच्छा। सारी कंट्रियों का ट्राई करके देख लिया था। अच्छा। कई एजेंट बेकार थे, वीजा ही नहीं लग रहा था। अच्छा। फिर इनके पास आए, मैं एप्पल का पता लगा कहीं से, फिर इन्होंने वीजा लगवा के दिया। मतलब एक मिनट में सब कुछ लगभग हो ही गया, वीजा आ गया। यानी कि भाई 7 साल तक, 7 साल बेमिसाल, नेड़े तेड़ा इंगा उंगा आस पास न्यून न्यून धक्के खाते रहे, लेकिन जैसे ही मैपल इमिग्रेशन के पास पहुंचे तो मात्र 20 दिन में। हाँ जी सर। हाँ जी, माय नेम इज गुरसिमरन कौर। अच्छा, थोड़ा खाना नहीं खा के आए? इनको पकौड़े नहीं खिलाए अभी तक? खाया नहीं कुछ है ना? नहीं। वर्त है? नहीं नहीं। ठाडू ठाडू बोलो। मेरा नाम गुरसिमरन कौर है। अच्छा जी। हाँ जी, मैं निसिंग तो। अच्छा, क्यों मुस्कुरा रहे हो? उस मुस्कुराहट की वजह क्या है? वीजा आया कनाडा का। कनाडा का वीजा आया? हाँ जी। साक्षी नाम है सर मेरा। साक्षी जी। तो कहाँ का वीजा? कनाडा का सर। मेरे ख्याल से पूरा हरियाणा कनाडा। हाँ जी, कीना जी। रियांश। रियांश, ये तो देखे भाई सा लगा को फिल्म का किरदार है, जो तो 16 फिल्म में रोल कर रहा हो। हैं बोले गब्बर, बोले कितने आदमी थे, कितने दिन लगे? 1 महीने में गए। 1 महीना? हाँ। हो गया काम? हाँ। चलो भाई, ये देख सको हो मैपल इमिग्रेशन और इसी करके फिलहाल जो है सेलिब्रेशन की तैयारी है, धूम धड़ाके की तैयारी है। और पेरेंट्स की अगर मैं बात करूं तो पेरेंट्स भी मौके पर पहुंच रहे हैं, उनके चेहरे के ऊपर भी खुशी। हाँ जी सुखविंदर। एक तो ये अपने जसविंदर जी ने यमुनानगर तो आए ने। अच्छा जी। असि उन्होंने कनाडा का वीजा अप्रूव करवाया है। अच्छा, वाह जी वाह, कांग्रेचुलेशन जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत। क्या करोगे उठे? सर के साथ रहेंगे। ये सबसे बड़ी बात है, करने की टेंशन ही नहीं है, करने की टेंशन ही नहीं है, क्योंकि उठे क्या नाम? जशनदीप सिंह। जशनदीप, तो जशनदीप को जशन मनाएंगे उठे, बस बाकी बाद में सोचेंगे। बात हो रही जी, असी ना कुछ दिनों विच कर रहे हैं कैथल च ओपनिंग कर रहे हैं अपने ऑफिस की, तो साढ़े दोस्त ने जो सा ने अपना रणधीर जी, ये कलायतू आए ने, इन्ह का बेटा भी असं भेजे हूँ थोड़े दिन पहलों। अच्छा। वो उत्थे रिसीव भी आप किया, जॉब से भी आप ही उत्थे करवाया है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई हो जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो कैथल से भी अब फ्लाइटें शुरू हो जाएंगी है? जी, कैथल से ये भाई साहब देखेंगे अब। अच्छा, क्या नाम भाई? रणधीर सिंह। रणदीप। रणधीर। रणधीर, फिर तो ठीक है, मां के रणदीप हो। रणधीर है। चलो भाई, कैथल तक सीधी फ्लाइट कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, होलैंड, पोलैंड, पता नहीं कित की दूर डाक रहेंगी है। सर के लिए बोलना चाहता हूँ,
सर जैसे अपने सुखविंदर जी भाई ने मतलब इन्होंने एक चीज रखी है ना कि किसी को मतलब बाहर भेजने वाली बात नहीं, समाज सेवा, पैसे बहुत कम ले रहे हैं, गाइड बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं। मैंने अपने बेटे के लिए बहुत सा टाइम बर्बाद किया, पैसा भी बर्बाद हुआ। जब इनसे पता है एक आपकी एड पे मिला था मैं, अच्छा। मैंने रात को वो एड देखी, सुबह मैंने इनको कॉल की, अच्छा। तो मैंने जैसा इन्होंने बोल रखा था ना आपकी एड में, वैसा उससे भी बढ़कर मिला वहाँ पे। मैं ऑफिस में आया तो मतलब हाँ बहुत अच्छा लगा, जितनी बातें इनने बोल रखी थी उससे बढ़कर बातें पाई और उसी तरीके से मेरे बेटे को ओनली 20 दिन में भेज दिया कनाडा। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है भाई। मैंने भी आपकी एड देखी थी, अच्छा, और फिर इनसे कांटेक्ट किया, फिर मैं आया यहाँ पे और इन्हें बहुत अच्छा, यानी कि कनाडा में जश्न चलेगा है? बिल्कुल चलेगा जी। ये देख सको जितने भी चेहरे हैं, चेहरे के ऊपर स्माइल था, हम देख सको हो, और हर माता पिता ने सोचा कर भाई उसका बच्चा कामयाब हो जाए, तो कामयाबी का एकमात्र नाम है मैपल इमिग्रेशन। तो ये तस्वीरें हैं धूम धड़ाके की, इन तस्वीरों पर छोड़कर धरती जान लग रहे हैं, वीडियो न कर दो जिला का शेयर, शेयरिंग का तार दो फतूर, ताकि कनाडा राज्य जमा थोड़ी सी दूर। मैं उतरा देसी पत्रकार धर्मू, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय श्री राम।